नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। बात करेंगे जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा की। भारतीय अर्थव्यवस्था की कायल इस वक्त पूरी दुनिया है और सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार व सबसे तेज विकास दर की वजह से आज हमारे प्रति दुनिया का नजरिया काफी हद तक सकारात्मक हो चुका है। ऐसे में बात करते हैं जर्मनी की, जहां की अर्थव्यवस्था फिलहाल मंदी के कगार पर है, जिसका कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी होना, रूस से व्यापार संबंध टूटना और कुशल कामगारों की कमी मुख्य रूप से है। ऐसे में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भारत से बेहतर संबंध और अपने देश की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के मकसद से भारत पहुंचे हैं, जहां वे जर्मन कारों से लेकर देश की लॉजिस्टिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भारत के कुशल युवा, सस्ती लागत और हमारे देश की करीब 7% की आर्थिक वृद्धि दर का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। और इसी उम्मीद में जर्मन चांसलर एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत में मौजूद है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स DIHK के मुताबिक भारत में जर्मनी का प्रत्यक्ष निवेश दशक के अंत तक चीन में कुल निवेश के करीब 40% के बराबर हो सकता है। यानी जर्मनी का भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना एक प्रकार से लिटमस टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि वह चीन से अपने निवेश के जोखिम को कम करना चाहता है और ऐसे में भारत उसके लिए ज्यादा जरूरी बन जाता है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक स्किल्ड वर्कर्स की कमी से जूझ रहा जर्मनी भारतीय श्रमिकों को दिए जाने वाले स्किल्ड वर्कर्स वीजा की संख्या को मौजूदा 20,000 की लिमिट से बढ़ाकर 90,000 सालाना करने की योजना बना रहा है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि जर्मनी श्रमिकों की बढ़ती कमी का सामना कर रहा है। अब एक तरफ घरेलू नाकामियों की वजह से जर्मनी को आर्थिक मोर्चों पर नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है, पर साथ ही 2022 से चालू रूस यूक्रेन युद्ध भी जर्मनी को बड़ा झटका दे रहा है, क्योंकि रूस की सस्ती गैस पर जर्मनी की अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई थी, जिसके बाद जर्मनी ने डीरिस्किंग की पॉलिसी अपनाई और अब यही वो चीन के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में भारत उसके लिए सबसे मुफीद देश साबित हो सकता है।